ड्रॉ कर लिया सर। आप सर आपके प्रेस राय क्या कहते हैं? इमरान रियाज साहब इस वक्त महफूज है। आ जाइए इमरान की तरफ। इमरान के केस में मैं बहुत कंसर्न हूँ। मैंने अल्लाह ताला से आज सुबह भी दुआ, मैं रोजाना दुआ करता हूँ, इसलिए कि मेरा वो मेरा कुलीग नहीं है, मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा इंतहाई कर, मैं बता नहीं सकता कि मेरे उसके साथ क्या क्या। मैं उसका क्रिटिक भी बहुत, मेरे से वो डांट बाकायदा, मेरा ख्याल है अपने अब्बा से नहीं इतनी डांट वो सुनता होगा जितनी मुझसे सुनता। अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसने सुनर लेटर आना है। ये जितने दिन गुजर रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें अया हो रही हैं, हमारे सिस्टम के फॉल्ट और सिस्टम की सड़ांड है, जो कि सिस्टम रॉट कर गया है। कि भाई क्या वजह है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चल सका वो है किधर? आज जज साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है और मैं समझता हूँ वो आज का हासिल गजल था, कि अगर उसको कोई इतना सा भी कोई हार्म होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और स्क्रैच पे वो लोग जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, जाहिर पकड़ने कौन आया था? जी जी बिल्कुल, पुलिस कहती है, मुझे भी पुलिस पकड़ के कहती है, पुलिस कहती है कि हम कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में बकायदा इस डंडे को उठाएंगे कि जो यूट्यूबर 50,000-60,000 का कमाने वाले न्यू बोर्न बेबीज हैं, वो चारी काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनको पुलिस उठा रही है। अच्छा मैं पहले भी, ये बड़ी आम बात है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज से मैं मिशनरी जील के तहत इंशाल्लाह ताला मैं उनका नुमाइंदा बनूंगा, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ और मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। इमरान खान की सियासत वहीं की वही है, 9 मई के वाक्य का इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, 9 मई का वाक्य नहीं है, 9 मई का सानहा है। जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कमाल है। मैं कहता हूँ सिरिल अल्मेडा का पढ़िए, बयान पढ़िए, उसका ट्वीट पढ़िए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी साफी को, हम किसी सियासतदान को कोर्ट नहीं करते, हम साफियों को कोर्ट करते हैं और उन्हीं को दानिश्वर समझते हैं। सिरिल अल्मेडा कहता है कि इमरान को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस हुकूमत का कि वो उसके जो पॉन्ड की जो, मतलब ही डिड नॉट यूज दीज वर्ड्स, के जो अच्छा सर जो गंदी मछलियां हैं उन्हें खुद ही निकाल रहे हैं। सर आप लाहौर में रहे, आपके अपने ज़राए क्या कहते हैं? इमरान रियाज साहब सेफ हैं, कोई मसला? मेरी गट फीलिंग भी है, मेरा मानना है कि इमरान सेफ है अल्लाह के फजल व करम से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक पैनिक, ये रेन ऑफ टेरर था ना, जो रेन ऑफ टेरर, ये उसके मानने वाले हैं उसी टेक्निक के तहत कि जी जरा दहशत फैलाकर हम वाटर्स तो टेस्ट करें कि क्या लोगों को पता है कि वो सेफ है। सिर्फ एक इज़्तिराब की कैफियत, एंग्जाइटी की कैफियत क्रिएट करना, और जुल्म किस पे हो रहा है? बच्चों पे हो रहा है, उसकी बीवी पे हो रहा है, उसको खुद तो एक इंच का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बड़ा टफ आदमी है। के लिए जा रहे हैं, कुछ 4 दिन के लिए जा रहे हैं, और इमरान रियाज की अभी तक वापसी नहीं हो रही, ये कुछ चिल्ला चल रहा है? देखें इमरान रियाज के केस में जज साहब ने बड़ी क्लियरली वो जो बात की है बड़ी अहम है, कि मुझे कंसर्न उसकी ज़िंदगी से है, मैं फिक्रमंद उससे हूँ, और मैंने पूरी कोशिश करनी है, अदालत की पूरी कोशिश है टू इंश्योर कि वो जिंदा है, अनहर्ट है, उसे कोई ऐसा वो मामला कोई नहीं। आईजी ने आज फिर एक नया वो सिलसिला के जी मुझे, चूँकि मेरे अंडर नहीं है, ये आप सुन ही रहे थे कि मेरे अंडर नहीं है, जिससे साबित ये होता है कि वो हेल्पलेस है, और 24 घंटे का टाइम मैं नहीं समझता कि इवन 24 घंटे में भी वो बड़े मिरेकल्स होंगे, और बस ये आप सही कह रहे हैं, हाइड एंड सीक चल रही है। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तरीके इंसाफ का जानी, मेरे से आप पूछते ना, मेरा उससे क्या, मेरा इमरान से ताल्लुक है और बड़ा गहरा, मैं उसका बहुत चाहने वाला हूँ। इमरान खान किसी के खिलाफ नफरत, इमरान अपनी गेम कर रहा है सियासत की, वो सियासत जो होती है वो कर रहा है, और बात चीजें देखे वो कोई मुकम्मल कोई ऐसा तो नहीं, परफेक्शन तो नहीं ना, अल्लाह ताला की जात है, बंदा तो गलतियां करता है, उसकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर ये मसाइल ना, यार आहिस्ता बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता जर्नलिस्ट को इस तरह ना करो यार, आगे बात इस तरह बिल्कुल नहीं करना। सर आप ये उम्मीद करते हैं कि इमरान भाई कब तक रिलीज हो जाएंगे? इमरान के बारे में मैं ये समझता हूँ, अब देखिए इसके बारे में आप सुन लीजिए सारे, जी जी मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ,
कि इन आने वाले 6-7 दिनों में हालात बड़ी तेजी से आपको बदलते पलटा खाते नजर आएंगे। पलटे से मुराद है बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। तो हालात जब बेहतरी की तरफ जाएंगे तो उसका नेट रिजल्ट एक ये भी होगा, इमरान खान जी इमरान खान दोबारा इख्तदार में आते दिखाई दे। ये मुझे नहीं पता, ये नजूमी से पूछे बाहर बैठे होते हैं एमए शहजाद साहब, नहीं जानता। ये तो मतलब तो जिसके ऊपर ओपिनियन देना, मतलब आए ना आए किस तरह आए, आप हमारा आपने कहा कि आप इमरान रियाज साहब को जानते हैं अच्छी तरह, तो अब आपको क्या लगता है कि अंदर अल्लाह करे वो जल्दी कामयाब हो जाए, उनके बाद उसका जो है टाइम को चेंज होगा थोड़ी देखें। एक बंदा चलता चलता ना देखता है कि आगे खोबा है, बारीक पगडंडी है, साइडों पे खाई है, तो मोहतात हो जाता है। मैंने कभी नहीं इमरान को ये मशवरा दिया कि सदाकत का साथ देना बंद कर दो, अगर ऐसा है तो मैं खुद भी करता। मोहतात होने में तो कोई हर्ज नहीं, वो शिकार के दौरान भी, क्योंकि मैंने उससे बहुत करीब से शिकार में भी देखा है, शिकार के दौरान भी रिस्की काम करता है और मुझसे यकीन करें लोडेड गन्स के साथ डांट खाता है वो। अब मुंह नीचे करके चला जाता है। क्या नाम है जो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे बैठे नहीं हो रहे, तमाम जो है साफियों की आवाज नहीं है, आप यहां कोई भी नहीं। सर आपके साथ तो नहीं कुछ ऐसा हुआ था? मैंने इसके बारे में इतना एक्सप्लेनेशन दे दी है कि बिल्कुल अबस है इसके ऊपर बात भी करना। इसका मतलब आपने मेरा शो नहीं देखा सर? मैं इस्लामाबाद से, इस वजह से नहीं, इस्लामाबाद में टीवी नहीं आता। कमाल है गल ना करते सर, रास्ता दे सर, सिग्नल नहीं आ रहा इसलिए रास्ता क्लियर कीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। अच्छा आप एक बात सर बताइएगा कि आपने इससे पहले इस तरह का टाइम देखा जनरल इसके साथ ये सलूक होता है? नहीं नहीं, नेवर 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 नेवर। मैंने जर्नलिस्ट क्या, मैंने मुजरमों के साथ इस तरह का टाइम नहीं देखा। मैं तो इतनी देर से क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूं। तो क्या आप समझते हैं कि एक टाइम था जब जर्नलिस्ट की इतनी इज्जत होती थी और इतना वकार होता था उस वक्त पाकिस्तान की? उस वक्त पाकिस्तान की बड़ी इज्जत थी, प्लीज सर एक बात बताइएगा। कहा जाता है कि सहाफी को भी साथ इस तरह नहीं देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, एक नजरिए का साथ जरूर देना चाहिए। अब निकले ना ऐसा। लगाओ किसी दिन इकट्ठे फहीम से बात करो, इन सबको फार्म हाउस पे लेके आओ, जरूरी जी। तो ये आफ्ताब इकबाल साहब जाए थे इमरान एक यकीन नहीं, अभी वो जा रहे हैं वापस। तो ये आज के समात का अवाल था। मुझे जल्द अल्लाह हाफिज़। अंदर है कुछ?